आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सबसे बड़ी 7 सीटर और सबसे ज्यादा प्रीमियम गाड़ी, जो है Hyundai की स्टारिया। हम आए हैं इंडोनेशिया मोटर शो पे, जहाँ पे इतनी कमाल की गाड़ियाँ आपको मिलने वाली है, जिनमें से एक तो ये स्टार है, Hyundai की स्टारिया। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल से। एक बल्कियर साइज की आपको इसका फ्रंट प्रोफाइल मिल जाती है, बड़ी सी ग्रिल मिल जाती है, एंड ये रहा इसके 360 डिग्री कैमरे का फ्रंट कैमरा। पूरी स्ट्रिप मिल जाती है इसकी, LED DRL और हेडलैम्प्स भी आपको इतने बड़े साइज के मिल जाते हैं। अंदर भी आपको 1, 2, 3, 4, 6 पॉड्स मिलते हैं इसके, जो कि कम्प्लीटली LED दिए गए हैं। इंडिकेटर भी आपको LED ऑफर किए गए हैं। उसके अलावा आपको 1, 2, 3, 4 एंड इसके फ्रंट पार्किंग सेंसर 4 ऑफर किए गए हैं। एंड ये गाड़ी इज़ ADAS इक्विप्ड है, यानी कि इसमें आपको ADAS फीचर भी ऑफर किए जाते हैं, जिसके वहाँ पे कैमरा भी आप देख सकते हो और रडार बेस भी है, जो कि यहाँ पे आपको रडार सिस्टम मिल जाता है। 2.2 लीटर का डीजल इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि आपको किया कार्निवल में देखने को मिलेगा। पावर 177 PS एंड 430 Nm टॉर्क ये जनरेट करता है। बट ऑनेस्टली बताऊँ कि इंजन की मुझे इतना खास नहीं लगा जितना इसका प्रीमियम इंटीरियर आपको मिलने वाला है। लेंथ देख रहे हो इस गाड़ी की, 5200 mm प्लस, यानी कि 5 मीटर से लंबी गाड़ी ये 7 सीटर आपको मिलने वाली है। और अगर हाइट देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 mm की इसकी हाइट मिल जाती है। देख कितनी छोटी लग रही है इसके सामने, अंदर भी इतनी ज़्यादा स्पेशियस है ना, वो आपको मैं बैठ के बताऊँगी। क्योंकि फीचर्स की बात कर लेते हैं, इतना बड़ा आपको ORV मिल जाता है विद इंडिकेटर के साथ, और बड़े साइज़ के आपको जो इसके विंडो पैनल्स मिल जाते हैं, डोर हैंडल्स आपको रिक्वेस्ट आंसर दिया गया है, इवन जिसका सेकंड डोर हैंडल उसमें भी आपको रिक्वेस्ट आंसर मिल जाता है। कुछ खास तरीके से ये गाड़ी ओपन होती है, इस तरीके से पूरी प्रीमियम आपको लग्जूरियस फील आने वाली है इसके साथ। और इसी गेट के साथ, हालांकि लंबी गाड़ी बहुत है, बट अगर थर्ड रो में जाना है तो आपको ये गेट खोल के ही जाना पड़ेगा। इतने बड़ा टायर आपको 18 इंचेस का ऑफर किया जाता है। टायर सेक्शन की बात करो, 235x55 टायर सेक्शन मिल जाता है। और डिज़ाइन आपको कहीं ना कहीं जो स्टार गेजर है, छोटी 7 सीटर आती है Hyundai की इंटरनेशनल मार्केट में, जिसने भी वीडियो बनाई है उसे चेक जरूर कर ले, उस तरह के आपको अलॉय व्हील्स लगने वाले हैं। बट ध्यान रखें, इसका जो कलर है ना, वो आपको ब्राउन मिल जाता है, जिस तरह के एसेंट्स आपको ORVM पे मिल जाते हैं, जिस तरह के आपको एसेंट ग्रिल पे मिल जाते हैं, जबकि ब्रॉन्ज भी आप कह सकते हो। तो फ्रंट में आपको 18 इंचेस के मिलते हैं, रियर में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं विद ऑल 4 डिस्क ब्रेक। विड्थ देखो इसकी गाड़ी की, जो कि मेरे हाथों से भी नहीं कवर हो रही, आपको अच्छी खासी विड्थ मिल जाती है। हाइट तो मैंने बता दिया, 2000 mm से भी ज़्यादा है। सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। डीफॉगर, वाइपर आप कह रहे होंगे मिसिंग है, मिसिंग नहीं है बल्कि हाइड किया हुआ है, सो दैट इसकी जो लुक्स है वो अच्छी मेंटेन रहे, प्रीमियम लगे, और प्रॉपर आपको हाई स्टॉप लैंप और इतनी बड़ी आपको टेल लैंप्स ऑफर की गई हैं, जो कि कम्प्लीटली आपको LED ऑफर की गई हैं। 1, 2, 3, 4 रियर पार्किंग सेंसर आपको दिए गए हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत 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 ज़रूरी है, इतनी बड़ी गाड़ी है, 4 से भी ज़्यादा रियर पार्किंग सेंसर होने चाहिए थे। उसके अलावा ये इसका रियर पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा, और अगर हमने इसकी बूट ओपन करनी है, जो कि इलेक्ट्रिक टेल गेट है, देखो कितना बड़ा फ्लैप है, कितना बड़ा टेल गेट है, वाव। हालांकि टेल गेट बहुत बड़ा है, बट बूट स्पेस आपको थोड़ी ही मिलती है, बिकॉज अंदर जो पर्सन बैठेंगे वो उनको स्पेशियस कैबिन मिलने वाला है। अब ये तो थोड़ी सी बूट स्पेस है, बट अगर थर्ड रो पे पर्सन नहीं बैठे और बूट स्पेस चाहिए, तो इस तरह से इजली इसको स्लाइड किया जा सकता है और बूट स्पेस बनाई जा सकती है। इंटीरियर में सबसे पहले मैं फर्स्ट रो नहीं बल्कि सेकंड रो से स्टार्ट करूंगी। उसका रीज़न ये है कि अगर इस गाड़ी में मैं बैठूंगी तो सेकंड रो में बैठना पसंद करूंगी। पहले तो इस तरह से इसका डोर ओपन होता है, फिर आपको मिल जाती है इसकी प्रीमियम लग्जूरियस 2 सीटें, यस, जो कि आप जैसे मैं नॉर्मली बैठी हूँ, अब मेरे को ना रिलैक्स करना है, मैं सोने वाली हूँ तो बटन प्रेस करना है, तो ये खुद ब खुद रिक्लाइन हो जाती है, और अंडर थाई स्पोर्ट भी इसका ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से मैं पूरा रिलैक्स कर सकती हूँ और इसका जो सनरूफ है उसका व्यू इंजॉय कर सकती हूँ। नेक्स्ट, अगर मुझे नॉर्मली बैठना है तो देन बटन प्रेस करना है, तो मैं नॉर्मली बैठ सकती हूँ।
राइट साइड पे देखोगे आपको एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं फैन की स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने के लिए और एसी को ऑन ऑफ करने के लिए। ध्यान रखें राइट साइड पे दिए गए, लेफ्ट साइड पे अलग से नहीं दिया गया, यानी कि राइट वाला पर्सन ही इसको कंट्रोल कर सकता है। अब थर्ड रो पे कैसे जाना है वो मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही ईजी है। आप सेंटर से ऐसे ईजिली जा सकते हो इसकी थर्ड रो में बैठने के लिए। अब मैं बैठी हूँ थर्ड रो पे, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मैं थर्ड रो पे बैठी हूँ, एक्सेप्ट इसका अंडर थाइज थोड़ा सा कम मुझे लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको याद दिलाता रहेगा कि आप थर्ड रो पे बैठे हो। बाकी स्पेस का तो मुझे लगता है कहने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, अब आप देख ही रहे हो इतनी बड़ी हाइट इसकी मिल जाती है। हेडरूम, नी रूम तो इतना ज़्यादा नी रूम मिल जाता है, मतलब रिलैक्स करके आप बैठ सकते हो। राइट साइड पे कप होल्डर दो दो मिल जाते हैं, अलग से फ़ोन के लिए स्टोरेज स्पेस दी गई है, और इसके अलावा दो चार्जिंग पोर्ट दिए गए, यूएसबी, एक इस तरफ यूएसबी टाइप ए एंड एक इस तरफ डेडिकेटली। इतना ज़्यादा बड़ा विंडो पेन मिल जाता है, बिल्कुल भी आपको घुटन फील नहीं होने वाले, सफोकेटेड नहीं महसूस करने वाले। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो और बाहर से बहुत हार्श धूप आ रही है और आप सोना चाहते हो, तो आपके लिए सनशेड भी दिए गए हैं इस तरह दोनों ही साइड पे। बाकी मैंने आपको बताया एंटरटेनमेंट के लिए 12 स्पीकर सिस्टम मिल जाते हैं, तीन पर्सन बैठ रहे हैं तो तीनों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं। हालांकि आर्मरेस्ट यहाँ पे ऑफर नहीं की गई, बट इट्स ओके, यहाँ पे दो लोग बैठ के भी आराम कर सकते हैं। बट अगर दे देते आर्मरेस्ट तो एक आर्मरेस्ट की कमी लग रही है, तो वो कहीं ना कहीं कमी पूरी हो जानी थी। प्रॉपर 3 सीट्स बेल्ट ऑफर की गई हैं। अगर आप चाहते हो कि थर्ड रो में एयर वेंटिलेट हो सके, तो थोड़ा सा आपको ये विंडो खोल सकती है जिससे क्रॉस हो सकती है एयर, और उसके अलावा आपको प्रॉपर एसी वेंट्स ऊपर ऑफर किए गए डेडिकेटली दो पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन अगर बैठेगा यहाँ पे तब भी उसको हवा आ जाएगी। सेंटर में आपको LED रीडिंग लैंप ऑफर किया गया है, जिसका थ्रो बहुत ही बढ़िया है। अगर पर्सन कुछ रीड करना चाहता है तो ईजिली रीड कर सकता है, फ़ोन चलाना चाहता है तो ईजिली अच्छी खासा थ्रो आपको लाइट से मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये सीट्स मैंने पीछे को पूरी स्लाइड की हुई हैं, बट इतना ज़्यादा मुझे नी रूम नहीं चाहिए और पीछे मुझे सामान रखना है, तो सेंटर से आप इन सीट्स को आगे को स्लाइड कर सकते हो और नी रूम में तो कोई कमी नहीं है। इवन जो उसकी सीट्स है वो भी स्कूप रखी गई हैं सो दैट के पीछे की जो बूट स्पेस वो भी यूज़ कर सको और आगे भी आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाए। इस गाड़ी में आपको बहुत ही बढ़िया एंड प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं, बट एक कमी ज़रूर लग रही है, वो है एक प्रीमियम क्वालिटी की फ्रेगरेंस। वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ इन्वॉल्व वन की तरफ से, बेस्ट सेलर इन्वॉल्व का इन्वॉल्व वन मस्कार परफ्यूम। बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है, बिकॉज इसलिए तो ये इन्वॉल्व का बेस्ट सेलर है ना, मेड इन इंडिया है, बिल्कुल भी लीक नहीं होता। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शन है, चाहे वो छोटी 7 सीटर या फिर बड़ी 7 सीटर लाइक स्टारिया, इस पर आगे से लेके पीछे तक कमाल की फ्रेगरेंस आने वाली है, सब इसको इंजॉय करने वाले हैं, तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब चलते हैं इसकी फ्रंट रो पे, सबसे पहले बात करेंगे इसकी डोर साइड की। प्रॉपर आपको लेदरेट मटीरियल यहाँ पे ऑफर किया गया है फॉर आर्म रेस्ट और सॉफ्ट टच मटीरियल। ORVM के कंट्रोल इस तरफ मिल जाते हैं, सेंटर लॉकिंग विंडोज़ के कंट्रोल, साटन क्रोम हैंडल्स ऑफर किए गए हैं, बॉस के स्पीकर, एंड यहाँ पे आपको ह्यूज स्पेस मिल जाती है, बॉटल्स और भी सामान रखा जा सकता है। अब ड्राइवर सीट पे बैठते हैं और इसके फीचर्स बताते हैं। सबसे पहले तो आपको जो स्टेयरिंग व्हील है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑफर किए गए हैं, और स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल भी आपको, ADAS के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये गाड़ी ADAS इक्विप्ड है, जैसे कि लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स इसमें आपको ऑफर किए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, डीजल के साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑफर किया जाता है, पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर किए गए हैं। राइट साइड पे आपको कप होल्डर दिया गया है डेडिकेटली ड्राइवर के लिए, इस तरफ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, और नीचे आपको हुड ओपन करने के लिए दिया गया है, और इसके जो पैडल्स हैं वो आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ स्टील पैडल्स ऑफर किए गए हैं, और इसका जो डेड पैडल है वो भी आपको मिल जाता है काफ़ी बड़ा, बिकॉज जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे तो आप अपने पैर को रेस्ट कर सको। और इस तरफ भी आपको स्पेस मिल जाती है, यानी कि अपना फ़ोन और कुछ स्लिप्स वगैरह, कॉइन्स वगैरह ईजिली रख सकते हो।
नेक्स्ट आपको 10.25 इंचेस का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है, जो कि आपको स्टैंडिंग डिस्प्ले मिलती है, जिसका व्यू मुझे थोड़ा सा कम लगा है, बिकॉज अगर शॉर्ट आइट पर्सन है वो थोड़ा सा बैठेंगे इसको, नहीं अगर कोई शॉर्ट आइट पर्सन है तो उसकी लेंथ को सॉरी हाइट को बढ़ा के बैठेंगे, तो कहीं देखिए ये जो स्टीयरिंग व्हील है डिस्ट्रैक्ट कर रहा है इसके व्यू को। अगर कोई लंबा पर्सन है उसको तो ईजिली दिख जाएगा जो कि इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है, बट अगर कोई थोड़ा सा नीचे या पीछे को बैठेगा तो कहीं ना कहीं स्टीयरिंग व्हील की वजह से इसका जो व्यू है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इसकी जो ड्राइवर सीट है वो आपको 12-way एडजस्टेबल मिल जाती है, यानी कि आपको अंडर थाई सपोर्ट, हाइट एडजस्टेबल, स्लाइड और रिक्लाइन अलग से और लंबर सपोर्ट भी ऑफर किया जाता है, यानी ड्राइवर अपने कंफर्ट के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकता है 12-way के साथ। फीचर की दुनिया में आपका स्वागत है। इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं, 8 inches की टच स्क्रीन ऑफर की जाती है, कंट्रोल दिए गए हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड पर स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट नीचे इतने सारे कंट्रोल है ना, पहले तो आपको मिल जाती है दोनों ही वेंटिलेटर प्लस हीटर सीट्स, लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट साइड पे कंट्रोल, राइट साइड पे राइट साइड पे कंट्रोल। बाकी पार्किंग सेंसर, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए, रियर क्लाइमेट कंट्रोल के लिए अलग से बटन दिया गया है, और डीफॉगर के लिए, एसी के लिए, और थ्री लेवल एडजस्टेबल एसी दिया गया है, यानी कि लो, मीडियम, हाई आप कर सकते हो ऑटोमेटिकली। बाकी टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से किया जा सकता है। फैन की ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल दिया गया है, 360 डिग्री कैमरे का बटन दिया गया है, ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड इसमें आपको मिल जाते हैं, तो बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है जिस पर एसी का टेम्परेचर शो होगा। बाकी ऊपर दिए गए हैं स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए बटन। राइट साइड ड्राइवर के पास गियर सेलेक्टर दिया गया है सैटिन क्रोम फिनिशिंग के साथ, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और थोड़ा सा अलग करने के लिए न्यूट्रल दिया गया है, बिकॉज आपको थोड़ा ध्यान ना लगाना पड़े, इजिली आप कर सको। बाकी आपको पार्किंग पे लगानी है उसके लिए कंट्रोल दिया गया है अलग से, हैजार्ड लैंप का राइट साइड पे दिया गया ड्राइवर के पास, और पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन भी स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड पे दिया गया है। नेक्स्ट आपको वायरलेस चार्जिंग ऑफर की गई है। यहाँ पे एक बड़ी कमाल की चीज़ है, पुश करोगे तो आपको मिल जाएगा कप होल्डर, जो कि एडजस्टेबल आपको ऑफर किया गया है। नेक्स्ट यही फीचर ख़त्म नहीं होते, बाकी आपको यूएसबी टाइप ए 2 ports मिल जाते हैं चार्जिंग के लिए, 12-volt का सॉकेट ऑफर किया गया है। नेक्स्ट आपको इस तरफ भी स्पेस थोड़ी सी मिल जाती है, नीचे भी आपको ह्यूज स्पेस मिल जाती है। थोड़ा सा पीछे आपको दिखाना चाहती हूँ, इस तरफ आपको मिल जाता है इसका ग्लव बॉक्स, जो कि छोटा है, बट इट्स ओके, स्पेस में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपको इस तरफ इतनी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे सेंटर में देखो, पहले तो ये स्पेस दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप सामान रख सकते हो। इसको ओपन करोगे तो 2 cup holder मिल जाते हैं, जो कि एडजस्टेबल है। उसके अलावा भी इतनी बड़ी स्पेस मिल जाती है, इतनी डीप स्पेस मिल जाती है, यानी बॉटल्स भी बड़ी रखी जा सकती हैं। उसके अलावा इस पीछे की तरफ में भी आपको स्पेस मिल जाती है, यानी कि सीक्रेट सामान रखना है वो भी आप रख सकते हो। बाकी ये जो स्टारिया लिखा हुआ है वो बहुत ही कमाल का मिल जाता है। एम्बियंट लाइटिंग भी इसमें आपको ऑफर की जाती है अलग से, दोनों के लिए आर्मरेस्ट दी गई है, डेडिकेटली आर्मरेस्ट मिल जाती है, फोल्ड करना फोल्ड कर सकते हो। उसके अलावा ऊपर भी इतने सारे कंट्रोल जो देख रहे हो उसमें आपको मिल जाता है डोर ओपन करने के लिए। अगर किसी को पीछे थोड़ा सा लेजीनेस आ रही है कि हमने डोर नहीं खोला, तो इससे ऐसे डोर खोला जा सकता है। मैं इसको पुश करके रख रही हूँ तो पीछे वाला डोर खुल जाता है, राइट साइड वाला राइट साइड पे दिए गए, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड पे। बाकी अगर बूट ओपन करनी है, बूट ओपन करने के लिए भी कंट्रोल दिया गया है। नेक्स्ट अगर जैसे कि कंट्रोल दिए गए आगे पीछे वाले डोर खोलने के लिए सेकंड वाले, अगर उसको पावर डोर ऑफ करने हैं, यानी कि इस तरफ से ना खुले, तो इसको बटन को प्रेस कर दो। नेक्स्ट आपको लाइट के कंट्रोल सिर्फ दिए गए हैं। नेक्स्ट दो आपको मिल जाते हैं बटन इसके सनरूफ के लिए, बिकॉज 2 sunroof मिलते हैं, एक तो आगे वाली सीट के लिए फ्रंट सनरूफ, हालांकि गाड़ी ऑफ है तो फ्रंट के लिए अलग से कंट्रोल दिया गया है, रियर वाला जो सनरूफ है उसके लिए अलग से कंट्रोल दिया गया है इस तरफ। तो इतने सारे कंट्रोल्स, ओह माय गॉड, बट बहुत ही इजी टू यूज़ है, बिकॉज सारा कुछ अच्छे से लिखा हुआ है जिससे आप इजीली इनको यूज़ कर पाओ। नेक्स्ट आपको ऑटो डिमिंग IRVM ऑफर किया गया है, और इसमें जो ये मटेरियल यूज़ किया गया ना, सॉफ्ट टच मटेरियल आपको मिलने वाला है। इस तरह आपको मिल जाता है बड़ा सा वैनिटी मिरर विद लाइट,
जो कि आपको वार्म लाइट मिल जाती है, LED येलो वार्म लाइट ऑफर की गई है। एंड को ड्राइवर को भी सेम आपको बड़ा सा वैनिटी मिरर विद येलो वार्म लाइट के साथ LED जो कि ऑफर की गई है। पूरा प्रॉपर लेदर मटेरियल आपको मिल जाता है, प्रॉपर सीट्स। ये सीट भी आपको 4-way एडजस्टेबल ऑफर की गई है। सेकेंड रो में पर्सन जो बैठे हैं, अगर को ड्राइवर सीट को स्लाइड करना है या फिर रिक्लाइन करना है, राइट साइड पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिनको बॉस मोड कहा जाता है। सो ये है ह्यूंडई स्टारिया, एक ह्यूंडई की तरफ से बहुत ही प्रीमियम 7-सीटर, और इसमें आपको 12-सीटर का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब अगर मैं लॉन्च की बात करूँ तो इंडिया में इसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज थोड़ी सी महंगी गाड़ी है और इसको थोड़ा सा अडेप्ट करने के लिए भी टाइम लगेगा, बिकॉज डिमांड पे डिपेंड करता है। अगर जिस कंट्री में जिस गाड़ी की डिमांड हो, जिस तरीके की गाड़ी की डिमांड हो, तो उस तरह से कंपनी लाती है, बिकॉज उनको भी प्रॉफिट चाहिए। बाकी अगर होटल्स वालों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है, अगर कोई फैमिली है लॉन्ग ट्रिप पे जाती रहती है, शौक रखती है, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया गाड़ी रहने वाली है। नेक्स्ट, अगर छोटी फैमिली है तब भी इसको यूज़ किया जा सकता है। सो ये थी मेरी तरफ से वीडियो ऑन ह्यूंडई स्टारिया। आई होप आपको ये गाड़ी अच्छी लगी होगी, और ध्यान रखें जब इंडिया में आएगी ना, थोड़ी सी लेट आएगी, बट इससे ज़्यादा और फीचर के साथ आएगी। ऑलरेडी बहुत सारी फीचर है, इसके अलावा और भी बहुत सारी फीचर के साथ आएगी। हम आए हैं अभी इंडोनेशिया इंटरनेशनल मोटर शो पे, ऑटो शो पे, जिससे हमने इस तरह की बहुत ही अमेजिंग कार्स पे वीडियो बनाई है। उस पर भी वीडियोस चेक कर लें, चैनल पे चेकआउट जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के अमेजिंग अपडेट्स के लिए, न्यूज़ के लिए, कार न्यूज़ के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह की न्यू वीडियोज़ के लिए, और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।